अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डिवाइनर शॉर्ट स्टोरी बाय ब्रायन फ्राइल की। इसके अंदर आज हम इनके करेक्टर्स को, समरी को और इसके अलावा इसके जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी जो है वो फॉलो कर दें। तो अब हम जो है इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट करेक्टर है नीली। इसको जो है वो दो तरह से प्रोनाउंसिएशन की जाती है इसकी, एक तो नीली कहते हैं और कोई जो है वो इसको नैली पढ़ते हैं। तो मैं इसके अंदर इसको जो है वो नैली पढ़ूँगी। तो ये जो है ये 25 ईयर्स की मैरिड वूमन है, और इसने जो है इसका जो हस्बैंड है वो ड्रंकर्ड है और उसके पास कोई जॉब नहीं है। और ये जो है इतनी ड्रिंकिंग करता है कि इसकी वाइफ के लिए जो है एक शर्मनाक बात है। अब एक दिन क्या होता है कि इसका जो हस्बैंड है, और हस्बैंड का नेम जो है, ये जो सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर टॉम, ये नैली का हस्बैंड है जिसकी डेथ हो जाती है अपने बाईसाइकिल के गिरने की वजह से, और इसको जो है एक वैन जो है वो इसको क्रश करके चली जाती है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। मिस्टर टॉम जो इसका हस्बैंड है जिसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद है फादर किरण, ये प्रीस्ट हैं उस टाउन के अंदर। और फोर कैरेक्टर है मिस्टर डॉटे, एक सेकंड हस्बैंड है नैली का, और जो नैली है वो चर्च मैन जो है, जो प्रीस्ट हैं टाउन के, उनसे इजाज़त लेने के बाद जो है इससे शादी करती है, और इसकी भी जो है वो लास्ट में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर बॉयल का, ये वो वाला आदमी है। जब नैली के सेकंड हस्बैंड को जो है वो सर्च किया जाता है तो इसकी बोट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो वर्कर्स लगे होते हैं उसको ढूंढने में, उनको स्नैक्स और टी जो है वो वर्कर्स को देने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं, तो इसकी जो है वो बोट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैकलीव का करेक्टर। मैकलीव जो है एक पोस्ट मैन है, और ये जो है ये आइडिया देता है कि डिवाइनर को जो है वो बुलाया जाए, क्योंकि डिवाइनर ही है जो कि नैली के सेकंड हस्बैंड को जो है वो लेक से जो है वो बाहर लेके आए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो थी वो सर्च किया था लेकिन उसके हस्बैंड की जो लाश थी वो नहीं मिल रही थी। अब हम जो है इसकी समरी को जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो स्टोरी है द डिवाइनर, ये स्टोरी है एक वुमन नैली नेम की, उसकी लाइफ के अबाउट है। और ये जो है वो 25 ईयर्स की है, मैरिड है, और उसकी जो शादी है वो एक ड्रिंकिंग मैन से हुई है, और उसके पास जो है वो कोई जॉब भी नहीं है। अब ये क्या होता है कि उसकी ड्रिंकिंग ज़्यादा करने की वजह से इसकी वाइफ को जो है वो शर्मिंदगी फील होती है। अब एक दिन क्या होता है कि जो इसका हस्बैंड है वो अपनी बाईसाइकिल से गिर जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की होती है, और इसको जो है वो एक वैन जो है वो क्रश करके चली जाती है। जब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो नैली जो है वो वर्क स्टार्ट कर देती है एज अ क्लीनिंग लेडी, और ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, और जो बेस्ट फैमिलीज़ हैं ना उनके घरों पे जो है ये काम स्टार्ट कर देती है। जो फैमिलीज़ हैं जिनके घरों पे ये काम करती है उनमें जो है द बैंक मैनेजर, द सिलेक्टर के अलावा डेंटिस्ट, डॉक्टर और मैकलीव, ये सारे जो हैं जिनके घरों में ये काम करती है, और इन्हीं के घरों में ज़्यादातर अपना जो टाइम है, इनके घरों में काम करते हुए ये अपना टाइम स्पेंड करती है। अब एक दिन क्या होता है, ये प्रीस्ट के पास जाती है। प्रीस्ट जो उस टाउन का है जिसका नेम जो है क्यूरन है, जो उसको ये जो है उसको बताती है कि ये जो है ये शादी करना चाहती है फिर से, और ये जो है ये प्रीस्ट को बताती है कि जिस आदमी से ये शादी करना चाहती है उसका नेम है मिस्टर डॉटी, एक रिटायर्ड पर्सन है और एक एज पर्सन है, लेकिन क्या है ये फ्रेश लुकिंग पर्सन है। जिस टाउन से ये खुद है उस टाउन से वो मिस्टर डॉटे बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है, ही इज़ फ्रॉम द वेस्ट, फादर सेड नैली स्मूथिंग डाउन द हिम ऑफ हर स्कर्ट। तो ये क्या करती है, अपनी ये जो है वो शादी कर लेती है जो कि इसके टाउन का आदमी नहीं होता उसे, और जिस आदमी से ये शादी करती है उस आदमी को जो है वो कोई भी नहीं जानता होता उस इंसान के बारे में, लेकिन वो देखने में जो है बड़ा रिस्पेक्टेबल नाइस किस्म का। जो बाकी दूसरी वुमन है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि ये उसके जो दूसरे हस्बैंड मिस्टर टॉम की तरह नहीं होता, ये जो है बड़ा ही मिस्टीरियस किस्म का करेक्टर होता है।
ये जो है ये किसी से भी नहीं मिलता। जो कम्युनिटी के लोग हैं ये इसे चाहते हैं कि इससे मिलें, लेकिन ये अपनी वाइफ के साथ ही जो है वो अक्सर निगम मिलता। लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में बिजी हैं कि मिस्टर डोटे की एज के बारे में, उसके सोशल रैंक के बारे में, उस कम्युनिटी के बारे में, इस चीज़ को डिस्कस करने में बिजी हैं, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन क्या है, इनको कोई आंसर नहीं मिलता इनके क्वेश्चंस का। अब 3 मंथ्स का टाइम जो है वो गुजर जाता है इनकी शादी को, तो मिस्टर डोटे जो है, दिन होता है संडे का, उस दिन जो है वो न्यूज़ आती है कि इनकी, इसका जो हस्बैंड है मिस्टर डोटे, उसकी जो है वो डेथ हो गई है। फादर क्यूरन जो है वो नैली के पास जाते हैं और उनको जो है ये सैड न्यूज़ उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में बताते हैं। फादर क्यूरन जो है नैली को अपने साथ कार के अंदर बिठा के उस लेक की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे उसके हस्बैंड जो है, जिसके डूबने की वजह से डेथ हो चुकी होती है। उसके हस्बैंड की जो सर्चिंग है वो जारी है, किसी को भी जो है वो उसके बारे में नहीं पता चलता। नैली के अलावा जो है उसका कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है, तो इस वजह से नैली जो है उसके लिए जो सारा गांव है वो बिज़ी हो जाता है उसकी जो डेड बॉडी है उसको सर्च करने के लिए। यहाँ तक कि जो वुमन होती हैं वो भी जो है वो इसके अंदर एक्टिव होती हैं। एक्टिव किस तरह होती हैं कि वो जो हैं वो बैठी हुई होती हैं, उन्होंने सेट की होती है एक कैंटीन डॉक्टर बॉयल्स की बोर्ड हाउस के अंदर, कि वो प्रोवाइड कर सके वर्कर्स को स्नैक्स एंड टीज। अब हर कोई जो है वो सर्च कर रहा होता है, टाउन से बाहर जो लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है कि वो जो है वो सर्च करें, लेकिन कोई भी जो है वो न्यूज़ नहीं मिलती। हर कोई जो है फील हो जाता है और वापस अपने घरों में चला जाता है रात के टाइम। अब लास्ट में जो है मैकलीव जो करेक्टर है हमारा, जो पोस्टमैन है जिसने डिवाइनर के बारे में आइडिया दिया होता है कि डिवाइनर को बुलाया जाए, डिवाइनर जो है ये रहता है नॉर्थ ऑफ काउंटी मायो की तरफ। जो आदमी होते हैं वो एग्री कर लेते हैं मैकलीव के साथ, तो डॉक्टर बॉयल जो है वो सजेस्ट करते हैं कि इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें कंसल्ट करना चाहिए फादर क्यूरन के साथ इस इश्यूज़ के बारे में कि डिवाइनर को लाया जाए या ना लाया जाए। तो वो जो है वो प्रीस्ट के पास जाते हैं और उनको जो है बताते हैं इस अपने आइडियाज़ के बारे में। तो फादर क्यूरन जो है वो एग्री तो हो जाते हैं, लेकिन टेंटली तो मिस्टर मैकलीव जो है और एक दूसरे आदमी के साथ जाते हैं और डिवाइनर को जो है वो लेने जाते हैं। मैकलीव वापस आता है डिवाइनर के साथ, डिवाइनर ने जो है एक ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए हैं। शॉर्ट डिस्कोर्स के बाद फादर क्यूरन के साथ डिवाइनर की, तो डिवाइनर जो है वो अपने वर्क पे जाता है। डिवाइनर को जो है जिस इंसान की डेथ हुई है, मतलब नैली के जो हस्बैंड है उसकी डेथ हुई है, तो उसके कुछ कपड़ों के टुकड़े जो हैं वो उसको दिए जाते हैं और वो जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, डेड बॉडी मिल जाती है मिस्टर डोटे की, जो कि 20 फीट ऑफ वाटर के अंडर जो है ये पड़ी हुई थी। बॉडी को जो है वो किनारे पर जो लाया जाता है, मिस्टर मैकलीव हैं वो बॉडी के जो आईज़ हैं उनको क्लोज़ कर देता है, उसका माउथ भी जो है वो क्लोज़ करता है और जो फिंगर्स हैं उनको जो है वो आपस में जोड़ देता है और जो डेड बॉडी के जो फिट हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। प्रीस्ट है वो खड़ा है कॉरिडोर के साइड पर, मंज हैं वो नैली के सराउंडिंग में जो है वो खड़ी हैं और वो कह रही हैं ही वॉज अ गुड मैन हु लिव्ड अ क्वाइट लाइफ एंड लव हिज गॉड एंड हिज नेबर्स। उसके हाथ में जो है वॉलेट्स और वॉच जो होती हैं वो प्रीस्ट को दे देते हैं। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये जो है वो नैली को दे दिए जाते हैं। जो बॉडी होती है उसमें से जो है वो 2 बॉटल जो विस्की की होती हैं इसकी पॉकेट में से वो मिलती हैं। इनमें से एक बोतल जो होती है वो खाली होती है, जो कि मिस्टर मैकलीव जो है हाइड कर लेता है बोतल्स को से, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि लोग जो हैं जो उसके बारे में कह रहे थे कि ही वॉज अ गुड मैन हु लिव्ड अ क्वाइट लाइफ एंड लव्ड हिज गॉड एंड हिज नेबर्स। तो इस वजह से जो है बोतल्स हैं विस्की की उनको जो है वो छुपा लेता है। जब प्रीस जो है वो उसे पूछते हैं तो वो जो है वो कहते हैं कि वो बॉटल्स तो मिली हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो डेड बॉडी से जो है वो बिलोंग करती हैं कि नहीं। फ्यूनरल सीन होता है वो हार्ट ब्रेकिंग होता है। इसी के साथ जो है वो हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। ये स्टोरी जो है ये हमें एक लेसन प्रोवाइड करती है कि हमें जो है वो दूसरों के ऐप जो है हमें छुपाने चाहिए, या ये भी कह लें कि इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी छुपी होती है कि जो वक्त आने पर जो है वो उभर कर वापस आती है।
तो यहाँ पर जो मैकलीव का करेक्टर है जिसने जो है वो हाइड की थी बॉटल्स, इसकी इज्जत बनी हुई है उन वुमन्स के दरमियान में या फिर उन लोगों के दिलों में, तो वो जो है वो चेंज ना हो, तो इस वजह से वो बॉटल्स को जो है वो हाइड कर देता है। तो यही था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है ज़रूर